and welcome back to another video. So today's video is all about my first impression और जो प्रोडक्ट हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं वो है ये नायका का सीट मास्क। आप तो देखे होंगे सीट मास्क के बारे में बहुत सारे इंस्टाग्राम्स इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इंस्टेंट ग्लो देता है, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो आगे तक देखना है कि रिज़ल्ट कैसा मिला तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे हाथ में आप देख सकते हो ये नायका का सीट मास्क है और मैंने जो पिक किया है वो है लेमन प्लस हनी लाइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है और ये क्लेम करता है कि 10 टू 15 मिनट्स में आपको एक ग्लोइंग एंड लाइटनिंग स्किन देगा इंस्टेंटली। तो ये तो मैं बहुत सारे रिव्यूज़ देख चुकी हूँ और मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर कहीं आप पार्टी में जा रहे हो या फिर कुछ भी स्पेशल ओकेजन है या फिर कुछ भी शादी वगैरह है तो आप इसको इंस्टेंटली अपने फेस पे अप्लाई करिए 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप इसको रिमूव कर लीजिए और इसका जो एक्स्ट्रा सीरम इसके अंदर होगा उसको भी फेस पे अच्छे से लगाइए जब तक आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो चलिए मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, नॉट इवन अ मॉइस्चराइज़र। मैं दिन भर ऐसे ही थी तो मैंने इसका ही रिव्यू करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पे और देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही डल दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसमें फ़र्स्ट लिखा हुआ कि आपको फ़र्स्ट क्लीन करना है आपके फेस को। तो मुझे क्लीन करने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये नीविया का क्यूट सा फेस वॉश जो कि है मिल्क डिलाइट का। तो मैं इससे अपने फेस आज फेस वॉश करने वाली। ओके, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे दिया गया है ओपन करने के लिए। तो इसको अच्छे से आप टियर कर लीजिए। होता है ओके। तो इसके अंदर साइड में रख देंगे। इसको अपने फेस पे से प्लेस कर लीजिए जहाँ जहाँ पे ये गैप दिया हुआ है। इसको 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करने देंगे। तो चलिए मैं आपको 10-15 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। ओके, तो 15 मिनट्स हो गए हैं और मैंने ये हेयरबैंड लगा लिया क्योंकि मेरे बाल सामने आ रहे थे। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। और इसको तब तक मसाज करिए जब तक आपकी स्किन पे ये अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो मैंने इसको तब तक मसाज किया जब तक मेरे स्किन पे अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है और मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीरम में सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा और ये बहुत ही इंस्टेंट आपको एक ग्लो देता है आपके फेस को और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसमें तो दिया गया है 10 to 15 मिनट्स बट आपको 20 मिनट्स तक रखना है, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मैं इस प्रोडक्ट को थम्स अप दे रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ट्राई करिए प्रोडक्ट को, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत सारे कंपनी के आते हैं, जैसे कि नायका का है, अभी गार्नियर का भी है, द फेस शॉप का है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के फेस मास्क आ चुके हैं मार्केट में, तो आराम से बाय कर सकते हो। सारे शॉपिंग साइट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला सिंगल चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इससे बाय कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे वीडियो में आगे लाती रहूँगी। एंड आई विल बी बैक विथ अनदर एक्साइटिंग वीडियो, सो बी विथ मी, स्टे गॉर्जियस एंड आई लव यू गाइस सो मच, बाय।